खबर हनुमानगढ़ से है, जहां राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर राजस्थान के पर्यटन व कला संस्कृति के आधार पर पर्यटन प्रदर्शनी और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय पर सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय हॉल में यह आयोजन हुआ। जिला पुलिस अधीक्षिका प्रीति जैन ने प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं संगोष्ठी में जिलाधिकारी जाकिर हुसैन ने कहा कि हनुमानगढ़ जिले को पर्यटन मानचित्र पर लाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दरमियान उद्घाटन समारोह के बाद उपस्थित अधिकारी नागरिकों ने पर्यटन प्रदर्शनी का अवलोकन किया। एक्सप्रेस वन न्यूज के लिए हनुमानगढ़ से राज रतन पारिक की रिपोर्ट। हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हम राजस्थान राज्य के रूप में आज़ादी से पहले जो छोटी छोटी रियासतें थी उनको समेट कर उनको इकट्ठा कर आज के राजस्थान के स्वरूप में हम लोग अपनी पहचान स्थापित कर पाए हैं, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। जिस तरह से भारत में विविधता में एकता का नारा दिया जाता है, यदि राजस्थान के लिए भी कहा जाए काली गंगा को भी, और हमने एक मीटिंग में ये डिस्कस किया था कि बीकानेर और शेखावाटी का जो पर्यटन सर्किट है उसे हनुमानगढ़ को जोड़ा जाए, जिससे जो भी पर्यटक आए वो यहाँ भी आए और सारी चीज़ों में उससे यहाँ की चीज़ें भी विकसित होंगी। और हमने होटल इंडस्ट्री है और लोगों को जो सुविधा जैसे अभी बात हुई एग्री टूरिज्म की वो भी अपन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तरह तरह की खेती और बड़े इनोवेटिव प्रयोग अपने यहाँ किए जा रहे हैं वो भी लोगों को दिखाए जा सकते हैं। और यहाँ जो कृषि बीन्स का उत्पादन है वो भी इतना लार्ज स्केल पे होता है, तो जितने भी आकर्षण के बिंदु हैं उनको विकसित किया जा सकता है। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि राजस्थान और भारत के पर्यटन में हनुमानगढ़ को एक जगह दिलाई जाए, इसलिए लगातार अपन सब मिलकर प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें पर्यटन पर एक संगोष्ठी भी रखी गई है और एक प्रदर्शनी लगाई गई है जो हनुमानगढ़ जिले से और राजस्थान से जुड़ी हुई पर्यटन के जो स्थल हैं उनको प्रदर्शित कर रही है। और संगोष्ठी का उद्देश्य यही